दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा जहांगीर और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल। तो कैसे हैं आप सबको मज़ा पे असलाम। तो गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग, बड़ी शानदार और बड़ी कमाल किस्म की वीडियो लेके आए हैं। मीट द इंडियन हीरो अलोन, जबरदस्त। और ये वीडियो जी हद भाईचारे वाले भाई की, उनके चैनल का नाम है हद बीसी, तो हमने उसका नाम रखा है हद भाईचारा। ठीक है, हम बांग्लादेशी हैं। अब ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इनके बारे में। इंडियन इंडियन को मीट कर इंडियन हीरो ही ना, इंडियन अलोम है ये। मीट द इंडियन हीरो अलोम, इंडियन अलोम है ये। तो ये देखते हैं जी कौन है, हीरो है, एलियन है, कौन है, इसके बारे में हमें आज पता लगेगा। तो चलते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वही है मर चुका है ये आदमी अंदर से। सुहाग रात के दिन 10 सेकंड में 4 बार झड़ने के बाद भी जब बीवी बोलती है ना आर आर आर, तब बनती है ऐसी चकल। आज ना मैं एक ऐसे जहरीले इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका जहर यूट्यूब पे धीरे धीरे फैलता जा रहा है। परिभाषा है मानवता की आशा है। तो ये कतई मारुति 800 के एक्सलेटर की शक्ल वाला इंसान कभी खुद को सलमान खान बोलता है, तो कभी खुद को संजय दत्त, और कभी कभी तो बकचोदी न जाने शरीर के कौन से छेद से बाहर आ जाती है कि पिया खुद को सोनम कपूर का आशिक बोलने लगते हैं। मैं भी सोनम का बहुत बड़ा फैन हूँ और दिलो जान से अरे मुफ्ती वाले, पजामे के नाड़े से फांसी लगा ली, वैसे जिस हिसाब से शरीर है ना, फांसी की तो जरूरत ही नहीं थी। कोई गीला रुमाल करके भी मार दे तो भी छटपटा के मौत हो जाएगी। अपन को क्या समझा है? तो फिर चलो यार, इस बवासीर पैदा कर देने वाले अच्छा, इंसान की कुछ गाढ़ चीर देने वाली वीडियो पे नजर डालते हैं और शुरू करते हैं आज का मुकदमा। अरे चाचा, इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहे हो? कतई कुत्ता अंगड़ाई ली है और मुंह में दांत नहीं बचे। चाचा रश के कमर नहीं, रश के कबर की तैयारी करो। ये ऋतिक रोशन है, ये कौन है? दांतों के बीच में खिड़की खुल रखी है, और जरा बेटी चोट पड़ना तो देखो, अपनी पोती की उम्र की लड़की को तड़िया रहा है। भाई बुढ़ापे पे बुढ़ापा चढ़ा जा रहा है, लेकिन इस इंसान के अंदर के हैवान को आज भी शांति नहीं मिली है। चाचा बहुत टैलेंटेड है, हाथों के बल खड़े होकर के बालों से झाड़ू लगा देते हैं। और ये क्या चुदम पट्टी है? अबे भाई ऐसे कौन हेलो करता है? नहीं तुम खुद सोचो यार, तुम किसी से डेट पे मिलने गए हो और वो तुम्हें देख करके ऐसे हेलो कर रहा है। भाई रहम मत करना, लड़का हो या लड़की, मार के रीढ़ की हड्डी पे कोनी मुंह से खून फिकवा देना अगर कोई ऐसे हेलो करे। आराम से बहन, जबड़ा सहित दांत बाहर आ जाएंगे। और साला दुनिया में क्या चुदाप चल रहा है? डायनासोर से 2 महीने छोटे चाचा को देख करके लड़की मुस्कुरा नहीं रही है, पूरा खोखा बाहर कर दिया। भाई दुनिया का अंत बहुत करीब है। आ गया जब मैं
बचपन बर्बाद। ये जो झटाई हरकत अभी अंडी बंडी संडी के रचयिता के साथ की गई है ना, इसको देखने के बाद बचपन से आज तक जितनी चॉकलेटें खाई हैं सब टट्टी महसूस हो रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यो। अरे बेंचो, ऊपर वाले ने मुंह क्या दे दिया, कुछ भी जहर उगल दोगे। नहीं, हमारे अंडी बंडी संडी के रचयिता ने सिर्फ गाने ही नहीं गाए हैं, ट्रेलरों का रीमेक भी बनाया, और भैया ऐसा बनाया है कि देखने वाला मुंह से हक दे। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। नहीं, सही बात है, किसी की जिंदगी लेकर के ही मानेगी। भाई जिस हिसाब से चाचा की सेहत है ना, 3-3.5 दिन में खुद ही मर जाएंगे। और इससे सस्ती लोकेशन नहीं मिली थी भाई, कतई भंगीवाड़े में शूट हो रही है रेस 3। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। ओहो हो, हैरी पॉटर और उसकी चिकनी गांड, और आस्तीने ऊपर करके क्या दिखाना चाह रहे हो चाचा? ऐसा लग रहा है कुपोषण का टीका लगने जा रहा है। इस बेचारे को क्यों हौक दिया, ये तो कूड़ा बीनने जा रहा था। मैम, मे आई गो टू टॉयलेट? हाँ बेटा जाओ, तुम्हारी शक्ल बता रही है, अगर तुम्हें 2 मिनट और रोक दिया ना तुम्हारी यहीं छूट जाएगी। हेलो सेक्सी, ऐसा लग रहा है कुपोषण की बीमारी चाचा को नहीं हुई है, चाचा कुपोषण की बीमारी को हो गए। नहीं भाई, यही तो खूबसूरती है यूट्यूब की, इतना खत्म शरीर होने के बाद भी चाचा से लड़कियां बोलती है। बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। ये सुनने के बाद जॉन सीना ने अपना सीना चीर दिया, अर्नोल्ड श्रीवास्तव चलती ट्रेन के सामने आ गया, और तो और ड्वेन जॉनसन ने ये बात स्वीकार कर ली कि उसका चेहरा द रॉक से मिलता है। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। हाँ तो किसने कहा था टट्टी फूकने के लिए, और शरीर देख के ही लग रहा है कि फेफड़े की हालत मुकेश से भी बुरी है। और हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। कौन है वो लोग जो इसे मोहम्मद अली से कंपेयर करते हैं? उन लोगों को बोरी में बंद करके नदी में फेंका हो। नहीं यार, जब ये लौंडा 10 लोग को पेलता है ना, मुझे कबूल है, लेकिन ये मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। टट्टे, पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी। 308 गर्लफ्रेंड्स थी। फिर से बोलना जरा। 308 गर्लफ्रेंड्स थी। पाप है जिंदगी। यहाँ लौंडो की हालत ये है कि हिला हिला कर हाथों की लकीरें नुन्नू पे छप गई हैं, और अंडी बंडी संडी की रचयिता बोल रहे हैं 308 गर्लफ्रेंड्स थी। अब और ये बकचोदी सहन नहीं होगी। लेकिन आज का कार्यक्रम खत्म करने से पहले एक शायरी सोनम कपूर के लिए तो बनती है। तन्हाई और जिंदगी जैसी भी हो काटूंगा, वादा है ये आपसे, पर जहर कभी ना चाटूंगा। तो बस यार, आज के मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं, और प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब बस एक मजाक था, इस बंदे को बिल्कुल हेट मत देना। ये जो भी वीडियोस बना रहा है सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहा है। अगर आपको भी फनी वीडियोस पसंद है तो फिर गो एंड सपोर्ट हिम, और अगर ये वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक मारो यार। आज का एम रखते हैं हम लोग 19,500 लाइक, देखो कर दियो। और अगर इस क्रांति में नए हो और तुम भी चाहते हो सख्त लौट, अच्छा वैसे बस टॉपिक चाहिए ना बेसिकली। तो बेसिकली बंदे ने यार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लोगों को एंटरटेन करने की, ठीक है। और मेरे ख्याल से लोग एंटरटेन हो भी रहे होंगे। मैं तो देखूंगा इसके, अगर मैं जाता हूँ यार इसके चैनल चेक तो करें यार, बेस 3 का ट्रेलर होगा तो मैं जरूर देखूंगा। कौन कौन से ट्रेलर बनाए हुए भाई, कौन कौन से इनके चैनल स्पूफ बनाए हुए, कौन कौन से ट्रेलर के सीन दिखाते हैं उसको, ये लड़की बैठी होती है रस्सी के ऊपर और लोग मेरे खाना खा रहा होता है, दो लड़के आते हैं लड़की छेड़ने के लिए, जो लोग मंगा लिया है वो जो खड़ा होता है, उन्हें पैंट पहनी होती है, जब संभालने के लिए आ रहा होता है वो पैंट उतार के फेंक देते हैं, एक भाग जाता है। ये ऐसी भाग जाता है, पैंट उतार के भाग जाते हैं, नहीं सलवार पहनी होती है, दूसरा आता है सलवार उतार के फेंक दे वो भी भाग जाता है। एक और पैंट पहनी होती है।
मतलब मारते तो सलवार से और किसे मारता है? अच्छा मारा सलवार से वो उड़ता गया समझे लड़की खुश हो गया से आ गया है हीरो आलम वो आया नहीं पाकिस्तान के क्या कहते हैं जो ये बैठा है आलम जो डांस करता है आलम वाला इसलिए आलम एंजल मैं हूं एंजल नहीं वो तो एक छोटी सी वीडियो उसकी मेरे साथ नहीं जी उसका बड़ा फेमस हो गया था यार चैनल है उसका हां एक चैनल है क्या है पता नहीं वो बड़ी अनोखा ही किस्म का इंसान है बल्कि उसके ऊपर भी मुझे लगता है किसी ने वीडियो बनाई हुई होगी क्या नहीं बनाते जरूर बनाई है एंजल हां वो अजीब ही उसका डांस है अजीब ही उसके गाने मैं हूं एंजल ठीक है तो खुद ही कभी लड़की बना होगा कभी क्या बना होगा कभी क्या बना होगा बस खुद ही डांस करता रहता है बस सो गाइस और अगर खुद ही टॉर्च पहना होता है मैं हां वही वही सो गाइस ये थे आज के हीरो आलम ठीक है और मुझे तो जनाब वीडियो बड़ी अच्छी लगी है और लेकिन इस बंदे के जो है ना एक्सप्रेशन से पता नहीं लगा कि ना ये सलमान खान लग रहे थे ना ऋतिक रोशन लग रहे थे ठीक है और ना ही ये पता नहीं खुद ही खुद लग रहे थे खुद ही खुद लग रहे थे और थोड़ी चुस लग रहे थे ठीक है तो आपने जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने जरूर बताना है जान से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें थैंक यू वॉचिंग पाकिस्तान।